बच्चों, मैंने आपको शब्द विचार पाठ में बताया था कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हुआ है, और उसके अंतर्गत जो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण था उसके अंतर्गत मैंने आपको तत्सम तद्भव शब्द बताए थे, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तो आज मैं आपको कुछ तत्सम तद्भव शब्द लिखवा रही हूँ, आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये शब्द इस तरह से हैं: सर्प, सांप, अश्रु, आंसू, अग्नि, आग, अग्र, आगे, अक्षी, आंख, अम्बा, अम्मा, अर्ध, आधा, आश्रय, आसरा, उलूक, उल्लू, उष्ट्र, ऊंट, ओष्ट, ओट, कंकण, कंगन, कपाट, किवाड़, कपोत, कबूतर, कर्ण, कान, कर्म, काम, काक, कौआ, कास्ट, काठ अर्थात लकड़ी, कुंभकार, कुमार, कोकिल, कोयल, गणना, गिनती, गर्धब, गधा, ग्राम, गांव, ग्रह, घर, घट, घड़ा, घोटक, घोड़ा, घृत, घी, चंचू, चोंच, चंद्रिका, चांदनी, छत्र, छतरी, जिह्वा, जीभ, ज्येष्ठ, जेठ, त्वरित, तुरंत, दधि, दही, दुर्बल, दुबला, धूम्र, धुआं, नासिका, नाक, निद्रा, नींद, नृत्य, नाच, पक्व, पक्का, पत्र, पत्ता, पीत, पीला, पिपासा, प्यास, पुत्र, पूत, प्रस्तर, पत्थर, प्रहर, पहर, भिक्षा, भीख, भ्रमर, भंवरा, भ्रात्र, भाई, मयूर, मोर, मुष्टि, मुट्ठी, मक्षिका, मक्खी, रुक्ष, रूखा, रात्रि, रात, वार्ता, बात, वाष्प, भाप, सत्य, सच, श्वास, सांस, सायं, शाम, अंध, अंधा, हस्त, हाथ, स्वर, सुर, अद्य, आज, क्षेत्र, खेत। इस प्रकार से ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तत्सम और तद्भव शब्द ये क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में उतारेंगे और इन्हें याद भी करेंगे।